Hello and welcome to the print. I am Mansi Fadke, Deputy Editor. I am in Nagpur, uh, which is basically the, uh, the center point of the whole Vidarbha region, which is supposed to be the bellwether region for this particular Maharashtra election. Maharashtra votes on the 20th of November. And uh, in the middle of his campaigning, we've managed to catch Mr. Nana Patole, who is the President of the Maharashtra Congress. Uh, he uh, is a uh, hardcore Vidarbha leader. He uh, started his career with the Congress, left for A bit, uh, to join the ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी क्विट मिड टर्म डिसूजन टू रिटर्न टू हिज मदरशिप वेलकम नाना भास्ते तो ये इलेक्शन आपको कैसे लग रहा है यू नो यू हैड एन एज इन द लोकसभा इलेक्शन यू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी विधानसभा में हाउ मेनी सीट्स डू यू थिंक द एमवीए वी कैन गेट एंड वॉट विल बी द कांग्रेस परफॉर्मेंस लाइक पार्लियामेंट से भी अच्छा रिजल्ट विधानसभा में आने वाला है क्योंकि तो उस समय ये लोग तो महाराष्ट्र के भी जो नेता लोग हैं बीजेपी के और उनके अलायंस ये तो मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं जब मोदी जी को ही महाराष्ट्र ने नकारा है तो इनको तो महाराष्ट्र नकारने वाला है और जिस तरह से महाराष्ट्र में ये ढाई साल की सरकार ने स्टेट को ही बेच दिया और आपको पता होगा कि कल एक इनके मिनिस्टर जो है हेल्थ मिनिस्टर सावंत करके उन्हें कहा कि मैं तो कभी गरीब नहीं होऊंगा मैं तो पैसे वाला ही रहूंगा लेकिन ऐसी मुसीबत आई तो मैं महाराष्ट्र भी बेच सकता हूं तो जो हम बार बार आरोप लगा रहे थे इनके ऊपर कि ये महाराष्ट्र को बेच रहे अब वास्तविकता लोगों के सामने आ गई इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग जो है वो स्पष्ट हो गया है और इसलिए शहफुल अम्बेडकर विचारधारा जो महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ी विचारधारा है छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है उनका भी अपमान इन लोगों ने भ्रष्टाचार के इसमें कर लिया तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है और इस बार मैंने जब भी कहा कि पार्लियामेंट से भी ज़्यादा विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को सीटें मिलेगी और बहुमत में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी कितना टारगेट है आपका अभी तो हम लोग पौने दो तक की हम लोगों की सोच है लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो पता चल रहा है तो दो सौ के पार हो जाए जो मैंने शुरू में कहा कि विदर्भ एक बेलवेदर रीजन माना जा रहा है ये इलेक्शन के लिए क्योंकि आप बीजेपी से आई थिंक अबाउट फोर्टी फोर्टी टू या फोर्टी फोर सीट्स में आपका डायरेक्ट कांटेस्ट है विदर्भ में यहाँ के क्या फैक्टर्स हैं? सिंपल है, है की विदर्भा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है लास्ट टू इलेक्शंस विदर्भा में बीजेपी uh, थोड़ी खड़ी हुई थी लेकिन जिस उम्मीद से बीजेपी को विदर्भ का के जनता ने चुन के दिया था वो उस उम्मीद में बीजेपी खड़ी नहीं उतरी और विदर्भ का नुकसान ही किया है बीजेपी ने और इसलिए विदर्भ की जनता चाहते कि कांग्रेस ही एक हमारा हमारी पार्टी है कि जो हम लोगों को जस्टिस दे सकती है और इसलिए विदर्भ में इवन फडनवीस की भी सीट हार सकती है ऐसी स्थिति आज विदर्भ में है बीजेपी का एक मुद्दा विदर्भ में हमेशा रहता था दैट दे विल ड्राइव फॉर सेपरेट स्टेटहुड फॉर विदर्भ इनफैक्ट मुझे कहा गया कि एक हाथ एक रैली में मिस्टर देवेंद्र फडणवीस हु इज नाउ फडनविस चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये नहीं होता टिल विदर्भ डेट इट स्टेट हुड मैं अविवाहित रहूंगा uh, अब तो मतलब uh, उनकी बेटी भी काफी बड़ी हो गई है इज स्टेट हुड स्टिल एन इश्यू इन विदर्भ मैंने जब भी आपको वही तो कहा कि कुछ इश्यूज़ थे जिसमें सेपरेट विदर्भा जो डिमांड थी उस आधार पे गडकरी हो या फडनवीस ने जिस तरह से डिक्लेयर किया था कि हमारे स्टेट में और सेंट्रल में गवर्नमेंट आएंगी तो हम विदर्भा एक अलग स्टेट बनाएंगे तो ये लोग झूठ कितने बोलते हैं अब इनकी झूठ की तो परिसीमा खत्म हो चुकी है अब स्वाभाविक है कि बीजेपी के डीएनए में ही झूठ बोलना है नरेंद्र मोदी जी रोज झूठ बोलते हैं अमित शाह रोज झूठ बोलते हैं तो वैसे फडनवीस और गडकरी अगर झूठ बोल दिए तो क्या उस उसमें कोई नया नहीं है लेकिन इनका झूठ अब पकड़ा गया है और झूठ पकड़ा जाने से ही विदर्भ की जनता ने यह तय कर लिया है अपने आप ने कहा कि उनकी शादी भी हो गई उनकी बच्ची भी हो गई बहुत बड़ी तो इसका मतलब है कि ये आ, जो अपने व्यक्तिगत घोषणा करते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये स्वाभाविक है कि झूठ पकड़ा गया है और उनका है। है, लेकिन ग्राउंड पे आज भी ये डिमांड सेपरेट स्टेट हुड? देखो दो चीजें हैं, विधर्भा अलग हो गया तो विदर्भा एक अच्छा स्टेट बन सकता है इसमें कोई दो मत नहीं लेकिन आज जो स्थिति नहीं है कि विदर्भा एकदम अपने आप पे स्टार्टअप हो जाएगा okay. आज तो हमारे हमारा और आ, आ, जो महाराष्ट्र का जो एरिया है और ये सब लोग मिलकर अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग पहले महाराष्ट्र बचाएं अगर महाराष्ट्र बचता है तो फिर बाद में हम लोग क्या करना है हम डिसाइड करेंगे लेकिन अब महाराष्ट्र बेचना है हमने शुरुआत किया है महाराष्ट्र की सब इंडस्ट्रीज़ यानी नागपुर की भी इंडस्ट्रीज एयर विस्टा से लेके कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से गुजरात भेजने का काम हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी पहला इशू वह है कि को पहले बाद में हम एक साथ बैठ के क्या डिसीजन लेना है वो लेंगे लेकिन आज बचाने का। जैसे विदर्भ में पहले कांग्रेस का ही अपर हैंड होता था कई सालों से वैसे मुंबई भी एक एक वक्त था जब पूरे कांग्रेस का बेस्टियन था इनफैक्ट कांग्रेस वाज बोर्न इन सिटी ऑफ मुंबई फिर आगे यू नो द शिवसेना आल्सो गेन प्रोमिनेंस नाउ अ पार्ट ऑफ दैट आउटफिट इज योर एलाय यू आर फाइटिंग विद दैट पार्टी मुंबई में क्या स्थिति है एंड हाउ इज इट यू नो फाइटिंग विद अ ट्रेडिशनल राइवल इन अ सिटी दैट हैज ऑलवेज बीन योर पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड मुंबई की स्थिति हमारे uh, जो बिग लीडर थे सुनील uh, दत्त uh, गुरदास कामत मूडी देवरा ये लीडरशिप जाने के बाद वहाँ लीडरशिप जिस तरह से खड़ी होना चाहिए था वो नहीं हो सकी और वहाँ पे हमको लॉस आया लेकिन आ, इस बार वहाँ पे मुंबई में कांग्रेस खड़ी होंगी उस तरह से हम लोगों ने रणनीति बनाई है और अच्छे रिजल्ट इस बार मुंबई में आएंगे महाविकास आघाड़ी एक लोकसभा इलेक्शन के बाद मतलब लोकसभा इलेक्शन में जो हमने सबने देखा और महायुति के भी लीडर्स ये एडमिट करते हैं कि देर वॉज मच बेटर कोऑर्डिनेशन विद महाविकास आघाड़ी की वोट्स अपने एलाइज में एक दूसरे के लिए ट्रांसफर ज्यादा इफेक्टिवली हुए जितने महायुति में नहीं हुए थे अब छः महीने हो गए उस बात को इन दो सिक्स मंथ्स जो एक यूनिटी महाविकास में दिख रही थी वो थोड़ी सीट शेयरिंग you know, के बीच मेंॉस्ड समेसमिंग ओवर सीट शेयरिंग कम आउट सो मच इन दिन महायुति में तो बिल्कुल हुआ है महाविकास में कुछ सीटों में था प्रॉब्लम दस बारह सीटों में उसकी थोड़ी लड़ाई रही है हमने उसका शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को हमने कहा भी था आखिरी हमारी सोच ऐसी थी कि आखिरी मेरिट के आधार पर यह सब डिसीजन हो जिसे महाविकास आघाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए तो उसमें बाद में आ, कुछ आ, कुछ जगह हम लोगों ने डिसाइड किया तो पे आ, सेरिंग हुआ, आ, लेकिन अलायंस में ये बात होती है कि हम कितना भी चाहें, तो थोड़ा डिस्प्यूट तो थो आता ही है सेरिंग में, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद अब हम लोगों ने डिसीजन ले लिया और हम सब लोग मिलकर आज महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। आपका एक सवाल था कि वोट सिप नहीं होने का तो

उनके पार्टी में वो हीरो होंगे आखिरी अपनी पार्टी की आ, मेरिट वाली सीटें लेना जैसे अब नागपुर में हम लोग हैं तो यहाँ के साउथ नागपुर की सीट जो कांग्रेस की थी वो लोग मांग रहे थे हमने बोला नहीं देंगे हम तो आखिरी में उनके लिए विलन हूँ लेकिन मेरे पार्टी में तो हीरो हूँ ना तो मैं मेरे

अलायंस की जो कुछ व्यवस्था होती है जब अलायंस की राजनीति होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है और आखिरी हमने किया है तो अब ये सब इशू क्लोज हो गया अब हम बहुत आगे, आगे निकल गए तो इसलिए अब वो इसमें डिस्कशन नहीं हो तो अच्छा अभी पाँच साल हो गए महाविकास आघाड़ी बन के तब ऐसे कहा जा रहा था अननेचुरल अलायंस आइडियोलॉजिकल राइवल्स पॉलिटिकल राइवल्स Uh, आपके और uh, शिवसेना यू बी टी में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज पहले थे डू यू थिंक हैव नैरोड टू सर्टन एक्सटेंट या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज अभी भी है आप में देखो एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस गए तीस साल से था वो नेचुरल अलायंस था ऐसा वो सब लोग बोलते हैं लेकिन बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है और बीजेपी हमेशा वही काम किया और उनके जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें डिक्लेयर भी कर दिया कि हम छोटी पार्टियों को स्टेट पार्टी को खत्म करेंगे तो आखिरी ये जो स्थिति है कि लेकिन कांग्रेस मोहब्बत करती है प्यार करती है अपने साथियों को साथ में लेके चलती है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की भी वही लाइन है तो हमने हमारे प्यार से उनको जीतने की कोशिश कर रहे हैं अब हम दोनों तरफ से प्यार हो यही हम चाहते हैं एक तरफा नहीं हो जो कांग्रेस की भूमिका है तो देखें आगे आगे क्या होता है मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपने अलायंस को लेकर चलने का काम किया और चलते रहेगा आपने चीफ मिनिस्टर फेस तो डिक्लेयर नहीं किया है पर आपका गट फीलिंग क्या है कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा देखो मैंने शुरुआत में कहा कि अभी हम लोग सीएम के लड़ाई नहीं लड़ रहे हम महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जब हम महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस विषय की चर्चा आज नहीं करे तो हम अच्छा है क्योंकि महाराष्ट्र बचेगा तो सीएम बनेगा महाराष्ट्र बेच दिया गया जो जैसे उनके मंत्री कह रहे कि हम बेच देंगे हम गरीब नहीं होंगे तो ये स्थिति आज जो बनी हुई तो है तो एकदम क्लियर है तो इसलिए हमें हमारी पहले, पहली महाराज बचाने का, CM का सीएम है डिसीजन पर, uh, आपके करियर के लिए डू यू हैव मेरा इतिहास आपने देखा होगा तो मैंने कभी फल की चिंता नहीं की मैंने पब्लिक की चिंता की लोगों की लड़ाई लड़ा तो जब मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ तो ये जब मेरे नसीब में होगी तो मिलेगी नहीं होगी तो नहीं मिलेगी तो उसके लिए मैंने रोना नहीं है मैंने खुर्ची से ज़्यादा मेरे को पब्लिक की चिंता ज़्यादा करना है और उनकी लड़ाई में जे लड़ना है तो ये मेरा एकदम क्लियर है राहुल गांधी जी की वही भूमिका है तो हम राहुल गांधी जी के आ, हम अनुयायी है तो हमारी भूमिका स्पष्ट है कुर्ची से ज्यादा जनता के लिए लड़ाई लड़ो और उनको जस्टिस मिला के दो वो कोशिश में भी कर रहा हूँ सर आपने कहा कि आप आपके पार्टी के हीरो हैं और यस यू वर लीडिंग द होल नेगोशिएशन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल और आपने कैंपेन भी पूरा लीड किया है पर यह भी है कि मतलब पिछले दो सालों में देर बीन वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट यू एक हाथ दो बार तो मतलब देर फॉर अ चेंज इन द लीडरशिप Uh, ये और कांग्रेस में ये इन फाइटिंग गटबाजी ये बहुत पहले से आई मीन दिस इज़ ऑलवेज बीन द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द कांग्रेस इन अ वे कीप ऑन हैपनिंग देखो पोलिटिक्स बोलो राजनीति बोलो तो ये सब चलेगा नरेंद्र मोदी कल हट जाए और अमित शाह देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो अमित शाह को लगता ही है ना गडकरी को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन मोदी को हटा के वो तो आपने देखा ही है लेकिन ठीक है गोदी मीडिया वो दिखा नहीं दिखाता उनका इश्यू है लेकिन वास्तविकता तो वहाँ पे भी है तो राजनीति ये चलती रहेंगी लेकिन जो भी हम लोग उस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट का यूज़ जिस पर्पज़ के लिए हम बैठे हैं उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व बनता है मैं को मैं वो कोई परमानेंट वो चेयर के लिए गए नहीं ना मैं तो मैं हाईकमांड को कहा था मैं तीन साल ही रहूँगा मैं तीन साल के आगे वहाँ नहीं रहूँगा मैंने मैंने खुद ही स्पष्ट किया था मुझे उसमें लंबे समय क्योंकि मैं मेरे एरिया के लोगों को समय नहीं दे सकता अपने परिवार को समय नहीं दे सकता पूरा पार्टी के लिए ही समय जाता है दिन रात वही काम करना अभी आपने देखा होगा कि मैं अभी तक अपने असेंबली में नहीं गया इलेक्शन चार दिन पे आके खड़े हुए हैं अभी तक मैं हूं, अपने असेंबली में पैर नहीं रखा तो मुझे पहले अपने पूरे महाराष्ट्र में अपने पार्टी को देखना है मेरा क्या होगा वो बात का इशू है तो ये संगठन का ये पोज जो होता है वो वो मुखिया तो इस नाते से पहले परिवार को देखो फिर अपने आप को देखो तो उसकी भी एक कोई लिमिट होती है और मैं इसलिए मैंने हाईकमांड को भी कहा था कि जिस दिन मुझे ये बनाया गया था मैंने मैंने खुद कहा था मुझे एक लंबे समय इस चेयर पे ज़्यादा दिन मुझे रहना नहीं मेरा ये काम भी नहीं है इतना दिन क्योंकि बहुत पेशेंस बहुत सबको संभाल के लेके चलो परिवार का मुखिया इस नाते से तो मुझे आ, मैंने भी पार्टी को कहा कि तीन साल का ही ये पोस्ट रहना चाहिए इसको ज़्यादा समय नहीं मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग आ सकते हो कुर्सी पर मेरे से अच्छा रिजल्ट देने वाले लोग भी आ सकते तो हम यही चाहते हैं कि अखिल संगठन के पोस्ट ये चेंज होते रहना चाहिए ये हमारी भूमिका है तो कोई किसी को आना है और पार्टी उनको भेजती है हम उनका लुकआउट है और हम उसको सपोर्ट करेंगे और आपके यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद द गांधी फैमिली विद मिस्टर राहुल गांधी हिमसेल्फ तो उनके बारे में थोड़ा बताइए हाउ डज द गांधी फैमिली नाउ कीप इन टच विद ऑल द स्टेट्स लुक एट द स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब डे टू डे बेसिस पे जो संगठन की बात है वो उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आपका पूरा होता है जब कोई उनका कोई उनसे उनको मुझे पूछना है तो मुझे फोन पे बात कर लेंगे मुझे कुछ रहा कि राज्य में तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ या मैसेज कर देता हूँ तो डे टू डे तो हम लोगों का कनेक्शन रहता ही है तो हाई कमांड हमारा और उनका पूरा देश में और विशेष करके गांधी परिवार में ये है वो देश के लिए जीते हैं खुद के लिए नहीं खुद के लिए जीने वाले तो पावर में बैठे लोग है वो खुद को ही खुद ही जीते और अपने को दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं मैं गांधी परिवार को पास से देखा हूँ और नरेंद्र मोदी को भी पास से देखा हूँ हाँ दोनों को पास में देखा हूँ तो गांधी परिवार की जो भूमिका है वो देश के लिए जीने वाली है और मोदी जी खुद के लिए जीते हैं ये फर्क दोनों में है Uh, हरियाणा का जो वर्डिक्ट आया वो uh, मतलब बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एवरीबडी वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट द कांग्रेस विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन हरियाणा तो वॉट uh, एंड exactly वो कार्डर पे उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ होगा तो बीजेपी हमेशा विभाजन की राजनीति करती है वह जाट वर्सेस अदर ओ ऐसा करके उन लोगों ने खेल खेला और उसी ट्रैप में कांग्रेस आई जीती हुई बाजी वहाँ हारी, लेकिन महाराष्ट्र में वो ट्रैप डालने की कोशिश उन लोगों ने किया लेकिन उनकी उनका वो ट्रैप नहीं चला और अब बटोगे तो कटोगे का एक नया स्लोगन उन लोगों ने लाया तो महाराष्ट्र की जनता वो बात को एक्सेप्ट नहीं करती हरियाणा की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है और महाराष्ट्र की जनता का आ, मैंने कहा कि शाउफुल्ला अम्बेडकर विचारधारा जो है वो मजबूत है तो इसलिए इस तरह के बहकाव में बीजेपी के कदापि नहीं जाएंगे और यहाँ राजनीति उस तरह की नहीं चलेगी महाराष्ट्र की जनता एकदम परफेक्ट डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है आखिरी दो सवाल एक तो जो लोकसभा इलेक्शन के बाद महायुति सरकार ने लाडकी बहन स्कीम लॉन्च की महाराष्ट्र में Uh, जिसके uh, अंडर पंद्रह सौ रुपया फॉर एवरी एलिजिबल वुमेन पर मंथ वो uh, देते आ रहे हैं जब लॉन्च हुई स्कीम तब सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने uh, काफ़ी क्रिटिसाइज किया इसे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है शोज द महायुतिज अंडर कॉन्फिडेंस कि फिजिकल स्ट्रेन पड़ेगा डिलीवरी uh, कैसे होगी कई नेताओं ने ऐसे भी सवाल उठाए कि हाउ इज दिस वुमेन एम्पावरमेंट कि तुम ऐसे ही हाथ में पैसा दे रहे हो रोजगार दो या कुछ काम दो तो सिलेंडर दो तो थोड़ा ज्यादा फर्क पड़े उसके बाद महाविकास आघाड़ी का जब मैनिफेस्टो आया तो यू हैव अ सिमिलर स्कीम दैट यू हैव प्रपोज इट्स जस्ट कॉल्ड द महालक्ष्मी स्कीम अंडर विच यू प्लान टू गिव करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ टू एवरी एलिजिबल वुमेन Uh, you know, देखो मैंने लाल लिप योजना का स्वागत किया कांग्रेस का अध्यक्ष इस नाते से अगर लोगों के पैसे लोगों को मिलते तो उसमें विरोध करने का कोई कारण ही हो, हो नहीं सकता एकदम मैं उसमें स्पष्ट हूँ लेकिन तुम वही पैसे अदानी को बांट रहे हो गरीबों के पैसे तो उसका हम विरोध करेंगे ये भूमिका हमारी उसमें है और रही ये योजना हमने ऑलरेडी पहले से स्टार्ट करके रखा है कर्नाटक तेलंगाना कई राज्यों में जहाँ जहाँ हमारा स्टेट है वहाँ वहाँ हमने शुरू कर दिया है नकल तो इन लोगों ने की है हमारी लेकिन उसका पंडा करने के लिए छः हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्चा किया है लाडली बैंक को डेढ़ हज़ार रुपये क्या दे दिया तो क्यों उपकार तो नहीं किया लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने एडवर्टाइज किया कि बहुत बड़ा काम किया बड़ा ऐतिहासिक कुछ ऐसा एक बड़ा चमत्कार कर लिया कि पूरे डेढ़ हजार में इनकी जिंदगी सवर गई वैसे नहीं हाँ बड़ा उपकार किया लोगों के ऊपर ये नहीं होता ना हम कोई उपकार नहीं करें कल हम तीन हजार रुपये देंगे तो उसकी ऐड नहीं करते रहेंगे वो हमारा काम भी नहीं है हम कल हमारी महिलाएं खुद के भरोसे खड़ी हो तो उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं हम लाएंगे और हमारी महिलाएं मांगने वालों में से नहीं हमारी महिलाएं देने वालों में बने यह हमारा सपना है और हम वो करेंगे इफ कम टू पावर आफ्टर द ऑफ नवंबर आपके प्रायोरिटीज क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस देखो पहले कानून व्यवस्था तो पहले संभालना पड़ेगा क्योंकि महाराज की कानून व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है बिटिया भी यहाँ पे ये नहीं है सिक्योरिटी नहीं है महिला नहीं है तो आखिरी ड्रग उड़ता महाराष्ट्र बन गया है ड्रग ड़क, ड्रग के माध्यम से तो कानून व्यवस्था को पहले सीधा करना यह पहली प्रायोरिटी है सेकंड प्रायोरिटी कि हम किसानों के हर किसान के खेत में पानी देने का यह हमारी प्रायोरिटी है और वो महाराष्ट्र में रिसोर्सेस है हम वो करेंगे और दो ढाई साल का ही उसको इसकी लिमिट रखेंगे दो ढाई साल में वो पूरे महाराष्ट्र में उस तरह की व्यवस्था हम बनाएंगे एजुकेशन और हेल्थ में बड़ा सुधार हम लाएंगे आज लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो सीधे जाते आड़े आड़े होके निकालते हैं क्योंकि तो व्यवस्था ही नहीं है पैसा नहीं लोगों के पास हम उसमें पच्चीस लाख रुपए का इंश्योरेंस कर रहे हैं पच्चीस लाख रुपए तक का खर्चा हम करेंगे दवा फ्री करेंगे लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे करेंगे गवर्नमेंट की स्कूलें हम अच्छे करेंगे और बाकी तो ये सड़क फड़क तो ये सब चलते रहेगा ये तो करेंगे पर मूल सब्जेक्ट है कि बेसिक है क्योंकि महाराष्ट्र खुद का खुद एक अलग पावर बने यहाँ का हर इंसान खुद फाइनेंशियल और एजुकेशनल पावरफुल रहे ये सोच हमारी और वो बेसिकली हम उसकी शुरुआत वहाँ से करें और फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा बता सकते तो, क्योंकि फाइनेंसेस के बारे में क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट से काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्क्वीज आ सकता है जाके। देखो कुछ नहीं आने वाला है हम लोग करप्शन नहीं करेंगे ये लोग क्या योजना के नाम से करप्शन कर रहे हैं एकदम क्लियरिटी है हर योजना में शिवाजी महाराज के प्रतिमा में भी, भी करप्शन कर लिया इन लोगों ने और इनके जितने भी टेंडर्स है सब अबाव है फिफ्टी परसेंट अबाव सिक्सटी परसेंट अबाव कभी ये होता नहीं है सीधी सीधी लूट है जो एक रुपये में चीज़ बनती है उसको दस रुपये में बना के इसका एस्टिमेट बनाते हैं उसके ऊपर फिफ्टी परसेंट कर डालते तो क्लियरिटी है एकदम